इस वीडियो में 1.8 के व्यूज़ हैं, जिसे कि 15.4 आवर वॉच टाइम मिला है। इसी तरह से एक और वीडियो अगर देखें तो इसमें लगभग 3.9 के व्यूज़ हैं, जिसे कि 20.4 आवर वॉच टाइम मिला है। इसी तरह से और भी वीडियो में काफ़ी व्यूज़ आए हैं, जैसे इस वीडियो में 1.6 के व्यूज़ है, इससे अगर वॉच टाइम देखें तो 11 आवर का वॉच टाइम इससे भी मिला है। लेकिन अगर हम मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पब्लिक वॉच टाइम आवर है वो 0 है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जो हमें 4000 आवर का वॉच टाइम चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए, वो मेरे शॉर्ट वीडियो से इसमें काउंट नहीं हो रहा है। तो हम आखिर इस 4000 आवर वॉच टाइम को पूरा कैसे करेंगे? तो अगर आप भी अपने चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करते हैं और आपको भी मोनेटाइजेशन के लिए 4000 आवर का वॉच टाइम चाहिए, तो उसे आप पूरा कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 4000 घंटे पूरा करने के दो मेथड के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये सारे वीडियोस में जो इतने वॉच टाइम आए हैं वो आखिर चैनल के मोनेटाइजेशन में काउंट क्यों नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक आवर 0 ही क्यों शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए YouTube का इसके बारे में क्या कहना है। ओनली वैलिड वॉच आवर्स फ्रॉम करेंटली पब्लिक वीडियोज काउंट टुवर्ड्स YPP एलिजिबिलिटी। YPP एलिजिबिलिटी हो गया आपका YouTube पार्टनर प्रोग्राम। तो वीडियोस प्लेड फ्रॉम स्टोरीज, ये लाइन आप देखिए, वीडियोस प्लेड फ्रॉम द स्टोरी एंड शॉर्ट वीडियोस सेल्फ और एज पार्ट ऑफ एड कैंपेन आर नॉट इंक्लूडेड फॉर YPP एलिजिबिलिटी। मतलब जो भी आपका वीडियो शॉर्ट वीडियो है वो स्टोरीज में या तो शॉर्ट फीड में अगर आता है तो वहां से जो आपको वॉच टाइम आते हैं वो आपके YouTube पार्टनर प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी के लिए काउंट नहीं होंगे। चाहे अगर आप अपने वीडियो को एड कैंपेन से रन करते हैं तो उससे जो वॉच टाइम आएगा वो आपको YPP के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब चलिए हम वो सब वीडियो के एनालिटिक्स को देखते हैं कि उसमें व्यूज जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं। तो जैसे हम इस वीडियो के एनालिटिक्स में आए, यहाँ पर आके हम रीच पर क्लिक करेंगे। रीच पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप सीमोर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे सीमोर का ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हैं शॉर्ट फीड, जिससे कि 1615 व्यूज आए हैं और इसी से मेरा 14.4 आवर वॉच टाइम आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14.4 आवर वॉच टाइम मेरा सिर्फ इसी से आया है, मतलब शॉर्ट फीड से। इसी तरह एक और वीडियो का एनालिटिक्स चेक करते हैं। तो जब इसके हम रीच वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपको सीमोर पर क्लिक करना है। सीमोर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट फीड से 19.1 आवर का वॉच टाइम, यहाँ पर देख सकते हैं 19.1 आवर का वॉच टाइम सिर्फ मेरा शॉर्ट फीड से आया है, जो कि मेरे चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होगा। और बाकी यहाँ पर आपको नीचे जितना सारा ऑप्शन दिख रहा है, ब्राउज फीचर, यूट्यूब सर्च, चैनल पेज, सजेस्टेड वीडियोज, अगर ये सब से व्यूज आते हैं, ये सब से वॉच टाइम आता है, तो ये आपका YPP एलिजिबिलिटी के लिए काउंट होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं वो दो तरीकों की, जिससे कि आप अपने चैनल के 4000 घंटे के जो वॉच टाइम है उसको पूरा कर सकेंगे। तो सबसे पहला तरीका है कि आप हर वीक में कम से कम एक वीडियो, लॉन्ग वीडियो अपलोड करें, जो कि एक मिनट से ज्यादा का लेंथ। अगर आप अपने चैनल पे सिर्फ शॉर्ट्स ही अपलोड करेंगे तो उसमें ज्यादातर व्यू शॉर्ट फीड से आएगा, जो कि आपका वॉच टाइम के लिए काउंट नहीं होगा। इसलिए आपको वीक में कम से कम एक बार एक लॉन्ग वीडियो को अपलोड करना है। तो ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरे तरीके की बात करें तो अगर आपको सिर्फ अपने चैनल पे शॉर्ट्स ही अपलोड करना है, तब भी आप अपने चैनल के 4000 घंटे को कैसे पूरा करेंगे? आप जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो 9:16 के रेशियो में अपलोड करते हैं, मतलब कि फोन का एक जो सीधा स्क्रीन रहता है उस टाइप से। तो आपको क्या करना है, अगर आप शॉर्ट वीडियो ही अपलोड करेंगे तो आपको इसे 16:9 के रेशियो में अपलोड करना है, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह से अपलोड करने से क्या होगा कि आपका वीडियो जो है शॉर्ट फीड में नहीं आएगा, तो इससे जितने भी व्यू आएंगे, चाहे व्यू घट जाए, पर आपके जितने भी व्यूज आएंगे वो सारे आपके मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होंगे। तो आप वीक में कम से कम दो बार या तीन बार इस टाइप का भी वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पे। अगर आप अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम करें, इससे जो वॉच टाइम मिलेगा वो भी आपके मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।